नितिन गडकरी ने किया 25 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। कटरा में बनेगा इंटर मॉडल स्टेशन। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जम्मू संभाग के डोडा जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया और 25 नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सांसद जुगल किशोर शर्मा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में बुधवार शाम को हुए एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसमें से एक टीआरएफ का शीर्ष कमांडर मेहरान यासिन साल्ला है। श्रीनगर के जामताला निवासी मेहरान ने ही पिछले दिनों स्कूल प्रिंसिपल सुपेंदर कौर और एक अन्य कश्मीरी पंडित टीचर को निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक एनकाउंटर में ढेर किए गए दोनों अन्य आतंकवादियों की पहचान पुलवामा निवासी मंजूर अहमद और कुलगाम निवासी बासित अहमद डार के तौर पर की गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मेंबरशिप ड्राइव का आगाज किया। आज फॉर्मली हम लोग शुरू कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहले हर 2 साल के बाद में कांग्रेस का मेंबरशिप अभियान चलाया जाता था और फिर उसका प्रॉपर प्रोसीजर नेशनल प्रेसिडेंट बनाने तक पूरा होता था और बीच में AICC ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और 4 साल के बाद में इसका टर्म 4 साल का कर दिया गया और ये 4 साल शायद पीछे हमारा जो साल गुजर गया उस वक्त ये शुरू करना था, मगर देश में महामारी कोविड-19 की जो सिचुएशन यहाँ बनी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा मोमेंट नहीं हो पाती थी, उस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, मगर फिर भी हम कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। लास्ट वर्किंग कमेटी में हमारी कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया और ख़ासकर हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने कि मेंबरशिप अभियान चले। नेहरू युवा केंद्र राजौरी द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा में कोविड-19 जन जागृति और कार्रवाई अभियान कैच द रेन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों को जल संरक्षण और जल जीवन मिशन के विषय में जानकारी दी गई। जी बताएं, आज जो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, मेन थीम क्या था? देखिए, ये जो एक आज मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा में नेहरू युवा केंद्र संगठन राजौरी के द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसका मेन एम जो था वो लॉन्चिंग ऑफ कैच द रेन प्रोजेक्ट जो फेज 2 है, उसका एक लॉन्चिंग सेरेमनी थी। एक फॉर्मली हमने यहाँ डिग्री कॉलेज नौशहरा से लॉन्च किया और इसके बाद जो है इसका ये मेन थीम ये भी थी, कुछ अदर डिपार्टमेंट्स की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी इसको इंटीग्रेट उसमें करने की कोशिश की गई। जैसे आप जानते हैं कि कोविड की जो प्रॉब्लम है वो पूरे दुनिया में चल रही है, तो इसी रिगार्डिंग उसके बारे में भी, उसकी वैक्सीनेशन के बारे में जो है उसमें अवेयर करने के लिए जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट से भी रिसोर्स पर्सन आए थे। उसके बाद जो हमारे यहाँ DIC और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है उनके बारे में भी युवाओं को अवेयर किया गया। रूरल एरियाज़ जहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं एजुकेटेड या लिटरेट नहीं हो पाने की वजह से उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बट बार बार जब आप उनको कोई चीज़ बताएंगे तो वो आपके साथ जुड़ भी जाते हैं और आपका जो है पूरी बात को वो मान भी लेते हैं और हमारा काफ़ी ज़्यादा जो सपोर्ट है वो करते भी हैं। और आज का प्रोग्राम जो था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ के GDC के जो हेड हैं उनकी वजह से, हमारे जो नितिन हुंगलू सर हैं, विक्रांत सर हैं, बाकी जो सारे रिसोर्स पर्सन हैं, उन सब की वजह से जो प्रोग्राम था वो दैट वॉज़ अ ग्रेट सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू।
पीएचई कृष्णमा की योजना विछोग से कृष्णमा तक थी, जो पूर्व कृषि गौ द्वारा संचालित की जाती थी हसन मीर, लेकिन आज योजना बहुत खराब है। विभाग की ओर से लोगों को पीने के लिए गंदा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। बीडीसी और नंबरदार ने पूरी योजना की समीक्षा की, जिसमें विभाग की कई खामियां सामने आई हैं। बीडीसी का कहना है कि विभाग ने अपनी लापरवाही से योजना को ध्वस्त कर दिया। ये थी यशोक तो कृष्ण, लेकिन अब बदकिस्मती से इतनी कंप्लेंट्स आई, आज मुझे खुद साइट पर जाना पड़ा और मैंने वहाँ देखी हमारी स्कीम की क्या हालत है। हालत क्या थी वो आपने भी देखा, जहाँ हम जहाँ से बाथरूम्स की वो पानी निकलता है, जहाँ मैंने डायपर्स देखे पानी में। अगर मैं एडब्ल्यू से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी स्कीम यशोक तो कृष्ण है, आप हमें कहाँ से पानी फराहम करते हो? रेरन में जहाँ वहाँ गंदे गंदे पॉलिथीन पड़े हुए, बाथरूम से निकलता हुआ वो साबुन का पानी, उसमें डायपर थे। लेकिन अगर वो दावा करें कि हम आपको रिजर्वेयर से पानी देते हैं, लेकिन जब हमने देखा हम वहाँ नदी में से पानी ले रहे हैं, जहाँ पर डायपर है, जहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, जहाँ वो बाथरूम से निकलकर हमारी पाइपों में दाखिल होकर हमारी बस्ती तक आता है, जहाँ हमारे लोग पी रहे हैं, क्योंकि हम बीमारी का इतना शिकार हो रहे हैं कि वो आज मुझे पता चला है असली वजूहत क्या है। वो पानी जो हम पी रहे हैं वो असली कारण है।